साथियों को नमस्कार। कल 4 मार्च 2024 को हमारी वित्त मंत्री आतिशी जी ने राम राज्य से प्रेरित देश के आगे दिल्ली का 10वां बजट रखा। इस बजट में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग का ध्यान रखा गया था। ये बजट और भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली को उसके कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड फंड्स नहीं देती और फिर भी दिल्ली के ऑनेस्ट और हार्डवर्किंग लोग देश में सेकंड हाईएस्ट टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। केंद्र सरकार का दिल्ली में सिर्फ अड़चने पैदा करना, बाधाएं पैदा करना, यही काम रह गया है। कभी अपने अफसरों द्वारा हमारी फंडिंग रोक लेते हैं, हमारी योजनाओं के लिए फंडिंग रोक लेते हैं, तो कभी एलजी साहब हमारी फाइलों पर लंबे अरसे तक बैठकर या तो हमारी योजनाएं रोकते हैं या उनको डिले करते हैं। पर उनको शायद अब तक समझ आ गया होगा कि अरविंद केजरीवाल जी रुकने वाले नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी थ्राइव्स अंडर चैलेंजेस, बट हां उनको इस बात का दुख जरूर है कि जो योजनाएं 5 साल में पूरी हो सकती थी उनको इन अड़चनों की वजह से, केंद्र सरकार की क्रिएटेड अड़चनों की वजह से पूरा होने में 9 साल लग गए। एज अ वुमन कल के बजट में मेरे लिए 2 हाइलाइट्स रहे, एक ऐसा माइलस्टोन जो हमने अचीव कर लिया है और एक ऐसा माइलस्टोन जो हम अचीव करने वाले हैं। पहला, 2014 के मुकाबले में 2024 में हमने दिल्ली में 90% मैल न्यूट्रिशन अमंग विमेन एंड चिल्ड्रन कम कर दिया है। दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट। ये हमने दिल्ली में हमारी 10,800 आंगनवाड़ियों के जरिए, आंगनवाड़ियों में काम कर रही महिलाओं के जरिए किया, जिन्होंने इंश्योर किया कि हाई प्रोटीन डाइट लैक्टेटिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन तक पहुंचे और ये मिड डे मील्स जो स्कूल में मिलती हैं उनके थ्रू हमने ये इंश्योर किया। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों के तहत हमने टॉप न्यूट्रिशनिस्ट को हायर किया था जो एक डाइट प्लान क्रिएट किए जिनको आंगनवाड़ी महिलाओं ने आगे पहुंचाया। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री मोदी की तरह यह नहीं कहा कि महिलाएं फिगर कॉन्शियस है, खाना नहीं खाती और इसलिए मैल नरिश्ड हैं। ना ही अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों की तरह बच्चों के लिए जो मिड डे मील में फंड्स अलॉट होते थे उनकी उनको अपनी जेब में भरा और वहां के बच्चों को नमक रोटी खिलाया। अब केजरी नॉमिक्स के तहत हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण महिलाओं को ट्रू सेंस में सशक्तिकरण कर देने के लिए एक मुख्यमंत्री महिला सम्मान राशि की घोषणा की है, जिसके तहत 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी दिल्ली की हर बहन को अरविंद केजरीवाल जी ₹1,000 प्रति माह देंगे। ये होता है सही मामले मायने में सशक्तिकरण, जिसमें आपकी जेब में जब पैसा होगा तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आप सोचिए एक ऐसी महिला, एक ऐसी बहन जो आपके घर में बर्तन मांझकर अपने परिवार का पेट पाल रही हो। हमने उस महिला को ऑलरेडी 5,000-6,000 का बचत कर दिया जब फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ट्रैवल उसको मिला और उसके ऊपर अब ये ₹1,000 उसको और सशक्त करेंगे, उसकी टेंशन को इस महंगाई के दौर में कम करेंगे और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। या सोचिए वो मां जो परिवार की नीड्स को आगे रखती है और एक नया कपड़ा, एक नई साड़ी भी नहीं खरीदती क्योंकि घर का बजट हिल जाएगा।
ये ₹1,000 प्रति महीना उस मां को सशक्त करेगा जो शायद अपने लिए अब एक नई साड़ी ले लेगी। या सोचिए वो बच्ची जो कॉलेज जाती है और उसकी रोजमर्रा की नीड्स होती हैं, जिसके लिए उसको अपने भाई के आगे अपने पिता के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, अब उसको ये नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी हर महीने उस बहन को ₹1,000 देंगे। आज दिल्ली के बेटे ने ट्रू सेंस में महिला सशक्तिकरण की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और वहीं दूसरी ओर एक केंद्र सरकार है जो एक बजट पेश करती है जिसमें देश के ऊपर लगभग 200 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ चुका है, महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं होती और ऐसी नीतियां हैं मोदी सरकार की कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब हो गया है। तो मेरी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी से गुजारिश है कि अपने दोस्तों की जेबें बंद करें भरना और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अरविंद केजरीवाल जी जैसी योजना अडॉप्ट करें। धन्यवाद। हमारी गारंटी मोदी जी जैसी नहीं है जो बाद में कह दें जुमला है। हमने अरविंद केजरीवाल जी ने जितना अनाउंस किया उसके ओवर एंड अबव हमने स्कीम्स इंप्लीमेंट की हैं। ये स्कीम भी हमारे मैनिफेस्टो में प्रॉमिस में नहीं थी दिल्ली के, पर हम ये कर रहे हैं और हमने पंजाब में भी जो कहा है वो भी होगा। एलजी विजिट कर रहे हैं आज, संगम यार्ड में गए और उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट किया, उसके बाद उन्होंने ये आह्वान भी किया और एक आरोप भी लगाया कि 9 साल की शगुफों के बावजूद दिल्ली के अंदर जगह जगह के ऊपर बदहाली देखने के लिए मिल रही है। देखिए ये एलजी को तुरंत उन अधिकारियों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने ये काम पूरा करने में बाधा डाली है। और क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल जी की नजर में आ गया है तो चाहे उनको लड़के करवाना पड़े वो ये काम भी करवाएंगे। राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि मोदी जी ये चाहते हैं कि दिन भर युवा मोबाइल चलाएं, दिन भर जयश्राम का नारा लगाएं, भूखे सो जाएं। आपके अलाइज हैं वो, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैंने इस टिप्पणी को अभी सुना नहीं है तो कॉमेंट करना ठीक नहीं होगा। मैम सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि ये जो पार्टी मुख्यालय है इसको खाली करना होगा 15 जून तक। आपने अप्लाई किया हुआ था शायद कुछ महीने पहले, क्या कुछ स्टेटस है और क्या आम आदमी पार्टी का नया पता होगा? देखिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि जो केंद्र सरकार का LNDO डिपार्टमेंट है उसको जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी को एक ऑफिस स्पेस अलॉट करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि भाजपा आपको बिना भेदभाव किए बिना कोई गंदी राजनीति किए हमें भी वही ऑफिस स्पेस अलॉट करेगी जहां बाकी सारी नेशनल पार्टीज का ऑफिस है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, उसी को मद्देनजर देखते हुए ये सब किया गया है। ठीक है, सबसे कम वोट उनको मिले थे तो क्या ही बात करें इस पे। थैंक यू।